मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित जेएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक कैदी की मौत पर परिजनों ने हंगामा काटा है। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों ने लिखित शिकायत देते हुए बताया कि मृतक विमल गुप्ता खैर अड्डे पर परचूनी की दुकान करता था। 13 जुलाई को थाना देहली गेट पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद 16 जुलाई को थाना पुलिस द्वारा परिवारजनों को बताया कि मृतक विमल दीन दयाल अस्पताल में भर्ती है और वहां हालात गंभीर होने के चलते जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जब परिवारजनों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर देखा तो मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसको देखकर लगता है कि मृतक विमल को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया है और अब इलाज के दौरान विमल की मौत हो गई है। परिजनों की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसकी जानकारी जब जेल सुपरिटेंडेंट ब्रजेश यादव से लगी तो उनके द्वारा बताया गया कि पहले दिन से ही मृतक की हालत गंभीर थी, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अब इस मामले से थाना पुलिस पर तलवार लटकती नजर आ रही है। और क्या घटना हुई है? मेरे भाई के साथ मार पिटाई हुई है, जिसमें उसको बेरहमी से मारा गया है, उसकी मारते हुए हत्या हो गई है। मेडिकल में इलाज कर दिया। ये घटना कब की है? ये घटना आज की है, आज खत्म हो गया भाई। इससे पहले भी कोई घटनाएं रही थी? इससे पहले मारपिटाई करके जेल में, उसके बाद इलाज पे लाया गया यहाँ पर। जेल में किस मामले में लेके गए थे? जेल में लेके गए थे चरस में, गांजा जो बोलते उसमें लेके गए। तो क्या लग रहा है जेल के अंदर कुछ घटित हुई घटना? फर्जी रखा है। मेरा भाई केवल कभी कभार पी खा लेता था, इसके यार दोस्त आ गए थे। नहीं, जेल के अंदर कोई घटना हुई है इनके साथ? जेल के साथ मारपिटाई हुई है जेल के अंदर। 13 तारीख को जेल भेजा है, 14 तारीख को इसका बेटा मिल के आया है, सही था, स्वस्थ था, और 14 तारीख के बाद जब 10,000 रुपये दे के आया ये, तो इसके साथ मारपिटाई हुई है। काफ़ी शरीर में चोटें आई हैं इसके, गंभीर चोटें आई हैं, जिससे किडनी विडनी पे भी असर पड़ा है काफ़ी। पैसे कहाँ पर दे के आए? जेल में अंदर। अब क्या डिमांड है आपकी? हम बस ये, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय चाहते हैं? जो कानूनी कार्रवाई हो, रिफाई और न्याय चाहिए। धरना यहाँ पर किया जा रहा है। धरना जो है जेल में विमल कुमार गुप्ता, जो कि छोटे व्यापारी थे, उनको जेल में मारपीट करके उनकी हत्या हो गई। और शर्म की बात यह है कि जेल प्रशासन ने उनके परिवार वालों को सूचना भी नहीं दी, उनसे मिलने नहीं दिया। अब जेल में भी जो है सुरक्षित नहीं रही है और जेल में हत्याएं हो रही हैं। जेल प्रशासन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, परिवार को मुआवजा मिले और पैनल पोस्टमार्टम जो है वीडियोग्राफी के साथ हो और FIR दर्ज हो, ये मांग है। और जब तक मांग पूरी ना हो जाएंगी, धरना जारी रहेगा।